अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग अगेन स्टार्टिंग आवर प्रीवियस सीरीज़ विच इज़ ऑफ मार्केटिंग। आज हम मार्केटिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हम पहले ही पढ़ रहे थे। ठीक है, ये फिलिप कॉटलर की बुक्स का 9 चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड मैनेजिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके अंदर बेसिकली हम न्यू प्रोडक्ट्स को कैसे डेवलप करते हैं ये देखेंगे, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं और कैसे आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज करना होता है। दीज आर दी टू मेजर टॉपिक जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम सेग्रीगेट कर लेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कि न्यू प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे हमने जैसे कहानी शुरू करनी है न्यू प्रोडक्ट से क्या होता है। सिंपल, न्यू प्रोडक्ट कोई भी गुड है सर्विसेज हो सकती है जो कि डिफर करती है सिग्निफिकेंटली इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेंडेड टू यूज फ्रॉम द प्रोडक्ट्स प्रीवियसली प्रोड्यूस बाय द फर्म। यार, कोई नया प्रोडक्ट, कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो परसीव की जाए एज अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, कंपनी है उसको कोई नया लॉन्च करे या कस्टमर्स उसको एज अ न्यू प्रोडक्ट परसीव कर लें। ठीक है, अ फर्म कैन ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट्स इन टू वेज, एक एक्विजिशन के थ्रू और दूसरा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू। फर्म्स अपनी एफर्ट से न्यू प्रोडक्ट बनाए और दूसरा बाइंग अ होल कंपनी अ पेटेंट। अब जिस तरीके से न्यू कंपनी ही बनी बनाया प्रोडक्ट जो चल रहा है उसी को आप खरीद लें तो वो भी एक तरह का न्यू प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, एक्विजिशन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स। अच्छा, ओरिजिनल प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन आ जाती है और न्यू ब्रांड्स थ्रू द फर्म्स ओन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स। प्रोडक्ट के न्यू ब्रांड्स बनाना अपनी प्रोडक्ट अपनी कंपनी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, 60% ऑफ ऑल द न्यू कस्टमर पैक्ड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस बाय द एस्टैब्लिश्ड कंपनीज फेल हो जाते हैं तकरीबन, अगर कोई एस्टैब्लिश कंपनी बनाती है। 2/3 ऑफ द न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स आर नेवर इवन लॉन्च, और लॉन्च ही नहीं किए जाते 2/3। तो ये फ्लॉज हैं हमारे कुछ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर स्ट्रेटजी में आता क्या है। सबसे पहले स्ट्रेटजी जो शुरू होती है ना वो आपकी आइडिया जनरेशन से शुरू होती है। सबसे पहले आइडिया जनरेशन होता है, इस चार्ट को देखें। आइडिया जनरेट किया जाता है, फिर आइडिया को स्क्रीन आउट किया जाता है, उसमें से जो भी आइडिया मतलब रेलेवेंट होते हैं प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की जाती है, उसके ऊपर उसको डेवलप किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को। फिर आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, उसकी स्ट्रेटजी देखी जाती है किस तरीके से हम इसको मार्केट करेंगे। फिर उसका बिजनेस एनालिसिस किया जाता है, वही जो हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस पीछे पढ़ा था, बिजनेस एनालिसिस कैसे करना है, स्टार्स और ये वो सारी चीज़ें जो हमने PCG मैट्रिक्स और ये वो पढ़ा हुआ है पीछे अपने चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाएगी उसके बाद, और उसकी टेस्ट मार्केटिंग करने के लिए कुछ सैंपल्स लॉन्च किए जाएंगे और उसके बाद लास्ट में कमर्शियलाइजेशन की जाएगी। आइडिया जनरेशन देखेंगे सबसे पहले क्या है, दिस सिस्टमैटिक सर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज की जो सर्च की जाती है उसको आप आइडिया जनरेशन कहते हैं। मेजर सोर्सेज ऑफ टू ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज के अंदर इंटरनल सोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है, एंड एक्सटर्नल सोर्सेज आ जाते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि आपके कस्टमर्स, कंपिटिटर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स वगैरह हो गए। इंटरनल सोर्सेज के अंदर आपकी कंपनीज के अंदर ही की R&D वगैरह हो जाती है तो वो इंटरनल में आती है। तो ये सोर्सेज हैं, इस तरीके से आप आइडिया जनरेट करते हैं, कोई भी सिस्टमैटिक सर्च करते हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या करते हैं। मैंने जैसे बताया सबसे पहले आप क्राउड सोर्सिंग करते हैं। क्राउड सोर्सिंग के अंदर मतलब ये इन्वाइटिंग ब्रॉड कम्युनिटीज ऑफ पीपल, कम्युनिटीज के पीपल को काफी सारों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। कस्टमर होते हैं, एम्प्लॉयज, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे क्राउड को, जैसे नाम से पता चला क्राउड सोर्सिंग, इसमें हम सारों को एट लार्ज पब्लिक को लेके आते हैं और उनको फिर इनोवेशन प्रोसेस ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट इज आइडिया स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज टू स्पॉट गुड वंस एंड ड्रॉप पुअर वंस। सिंपल है, उसको ड्रॉप करने के लिए और क्लासीफाई स्क्रीन आउट करने के लिए हम देखते हैं स्क्रीनिंग का प्रोसेस। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, इज अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ द आइडिया स्टेटेड इन मीनिंगफुल कस्टमर टर्म्स, कि किस तरीके से कस्टमर परसीव कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। फिर प्रोडक्ट इमेज आ जाती है कि वो एक्चुअल जो प्रोडक्ट किस तरीके से उसको परसीव किया जा रहा है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। फिर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग आ जाता है कि किस तरीके से टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स विद अ ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, क्या कर चेक करने के लिए कि वो स्ट्रॉन्ग अपील कर रहा है कस्टमर्स को या नहीं कर रहा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर बिजनेस एनालिसिस करते हैं, वो जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं। बिजनेस एनालिसिस में आप क्या करते हैं, सेल्स एंड कॉस्ट का रिव्यू करते हैं, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस को चेक करते हैं और ये सारी चीज़ों को देख के आप चेक करते हैं बिजनेस आइडिया फिजिबल होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं। फिर आ जाता है उसकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट में क्या करते हैं, डेवलपमेंट द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिर उससे टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट कैन बी टर्न इनटू अ वर्केबल मार्केटिंग ऑफरिंग, फिर उसको प्रोडक्ट को बनाया जाता है फिजिकली और फिर मार्केटिंग में टेस्ट मार्केटिंग की जाती है उसको। द स्टेज ऑफ न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच द प्रोडक्ट इज एंड इट्स प्रपोज मार्केटिंग प्रोग्राम से प्रपोज किया जाता है और रियलिस्टिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी से उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है। और लास्ट में कमर्शियलाइजेशन आ जाती है, उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस प्रोडक्ट को, लास्ट में कमर्शियलाइजेशन के अंदर आ जाता है। तो दिस इज ऑल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, किस तरीके से आपकी चलती है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करती है। अब इसके पास नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। बेसिकली
मैंने वैसे के बताया हमारे चैप्टर के दो मेन पार्ट्स हैं कि प्रोडक्ट को न्यू डेवलपमेंट कैसे करती है, वो हमने ऊपर साइकिल देखी, साइकिल को एक दोबारा दोबारा देखें ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है, आइडिया को स्क्रीन किया जाता है, आइडिया जनरेट करने के हमने मेथड्स देखे हैं कि किस तरीके से क्राउड सोर्सिंग की जाती है, फिर आइडिया स्क्रीनिंग देखते हैं, फिर उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टेस्टिंग वगैरह आ जाती है, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप किया जाता है, फिर बिजनेस एनालिसिस किया जाता है, फिर प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है फिजिकली, और टेस्टिंग मार्केटिंग कुछ की जाती है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। इसके बाद आ जाता है, हमें मैनेज करनी होती है अपनी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, द कोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम। जो कि प्रोडक्ट की सेल्स एंड प्रॉफिट्स होती है ना ओवर इट्स लाइफ टाइम, उसको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। और उसके अंदर चार पांच चीज़ें आती हैं। पांच चीज़ें कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर? सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट आती है कि आपको प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना, बिगन्स विद द कंपनी फाइंड्स एंड डेवलप्स अ न्यू प्रोडक्ट करती है पहला स्टेप। तो दूसरा इंट्रोडक्शन करती है उसका, इज अ पीरियड ऑफ स्लो सेल्स। इंट्रोडक्शन का जो पीरियड होता है वो स्लो सेल्स ग्रोथ का पीरियड होता है एज द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। अभी तो रिसेंटली प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो प्रॉफिट्स नॉन एग्जिस्टेंस होते हैं इन दिस स्टेज बिकॉज ऑफ द हैवी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। क्योंकि ऑब्वियसली आपने इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी, आप जब न्यू, आपकी मार्जिनल कॉस्ट और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं शुरू में बेनिफिट्स प्रॉफिट्स के हिसाब से, तो इस वजह से इंट्रोडक्शन पीरियड में सेल्स जो होती है वो ग्रो कर रही होती है, प्रॉफिट बिल्कुल बिल्कुल जीरो होता है। फिर आ जाता है ग्रोथ का फेज, ग्रोथ पीरियड के अंदर ऑफ अ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। मार्केट भी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लग जाती है और प्रॉफिट भी इंक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज मेच्योरिटी। प्रोडक्ट जाता है मेच्योरिटी की स्टेज में कैसे, जब पीरियड ऑफ स्लो डाउन इन सेल्स, सेल्स स्लो डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाती है, पोटेंशियल बायर्स बन जाते हैं, लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं और प्रोडक्ट मेच्योर हो जाती है, मतलब उतनी सेल्स हमारी कांस्टेंट होने लग जाती हैं, बढ़ती भी नहीं और कम भी नहीं होती। प्रॉफिट लेवल ऑफ और डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इंक्रीज मार्केटिंग आउटलेट्स टू डिफेंड द प्रोडक्ट अगेंस्ट द कंपटीशन। अब होता यह है कि आप क्या करते हैं, उस मेच्योर प्रोडक्ट को वेरियस टेन्योर्स, वेरियस वेज से उसको मार्केट करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर, इंक्रीज दी सेल्स, सेल्स वगैरह को बढ़ाने के लिए ये तरीका इससे तैयार करते हैं कम्पीट करने के लिए मार्केट के अंदर। और लास्ट में स्टेज आता है डिक्लाइन, इज द पीरियड वन सेल्स फॉल ऑफ एंड प्रॉफिट ड्रॉप। अब इसके बाद मेच्योरिटी के बाद हम ड्रॉप होने लग जाते हैं प्रॉफिट, हम इस पर इस पूरे चार्ट से इसको अच्छे से समझेंगे। बेसिकली इसका रट्टा मार ले आप कि एक साइड पे आ जाता है सेल्स एंड प्रॉफिट कैसे बढ़ रहे हैं, दूसरी साइड पे आ जाता है आपका नीचे साइड लॉस है, और दूसरी साइड पे आपका टाइम आ जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर। आप देखें जैसे जैसे आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया विद द टाइम, सबसे पहले तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज आई, मैंने जैसे कि बताया प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और वो मार्केट में जाता है, आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इस वजह से आपको प्रॉफिट लो होता है, नहीं होता प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन, आप मार्केट में जब उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तो पहले डिक्लाइन में आता है, ठीक है, जाहिर है पहले भी आपकी कॉस्ट लगी प्रोडक्ट को डेवलप करने में, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में और कॉस्ट लगी, सही है, और प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉफिट होना थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, सेल्स बढ़नी शुरू होती है, फिर ग्रोथ के फेज में जाके सेल बढ़ने लग जाती है, ठीक है, और ओवरऑल आपका प्रोडक्ट मेच्योर होने की स्टेज में जा रहा होता है। जब प्रोडक्ट मेच्योर होता है उसमें प्रॉफिट स्टेबल रह रहे होते हैं, सेल्स स्टेबल रह रही होती है, इसलिए इतना डिक्लाइन नहीं होता। डिक्लाइन के स्टेज पे आके वो प्रॉफिट्स भी डाउन होने लग जाती है, सेल्स भी कम होने लग जाती है, ठीक है। अब ये सेल्स का ग्राफ देखें, ये तो ग्रोथ प्रॉफिट्स का ग्राफ देखा हमने, नेक्स्ट स्टेज सेल्स का ग्राफ, सेल्स यहाँ से तो शुरू हुई नहीं, हाँ तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही थी, उसके बाद इंट्रोडक्शन की स्टेज में हल्की हल्की स्टेज इनोवेटर्स ने लेना शुरू कर दिया, फिर न्यू जो होते हैं अर्ली बर्ड्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे इनोवेटर्स से जनरल मासेस ने खरीदना शुरू किया, सेल्स बढ़ने लग गई। सेल्स मेच्योरिटी की फेज में भी बहुत ज्यादा सेल्स होती है, प्रॉफिट लेकिन स्टेबल रहता है, प्रॉफिट इधर ग्रोथ होती है और इधर सेल्स बहुत ज्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल्स भी आपकी डिक्लाइन होने लग जाती है। दीज आर ऑल दी स्टेप्स इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर, इस पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ये याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर बेसिकली हम डेवलपमेंट के अंदर कुछ चीज़ें देखते हैं कि हम किस तरीके से इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर हमारी तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक होता है स्टाइल, एक होता है फैशन और एक होता है फैड। स्टाइल ये होता है बेसिक एंड डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन, डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन को ऑफ एक्सप्रेशन को स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलर स्टाइल जो होता है उसको बेसिकली आप क्या कहते हैं, फैशन बोलते हैं। और टेम्परेरीली पीरियड ऑफ अनयूजुअली हायर सेल्स ड्रिवन बाय द कंज्यूमर एंथुसियाज्म एंड इमीडिएट प्रोडक्ट और ब्रांड पॉपुलैरिटी की वजह से एक फैड होता है। अब यहाँ ग्राफ से समझ आ रही है हमें कि स्टाइल ओवर द टाइम चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होती रहती है उसकी सेल्स, ठीक है। फैशन के बेसिस के ऊपर जो सेल्स हो रही होती हैं वो ज़्यादातर आपकी स्टेबल रह रही होती हैं, ठीक है, ओवर द टाइम उनकी लाइफ साइकिल ड्रॉप होती है। और फैड जो होता है वो यही वही प्रोडक्ट्स और वही चीज़ें होती है जो एकदम स्टीप हाइक पे आती है, हाइक पे जाते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं और फिर फ्रीक्वेंट अपने फॉल की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कंक्लूजन देखेंगे कि किस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजीज देखेंगे, ठीक है, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो कि करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं लेकिन उसी के पर डिटेल में स्ट्रैटेजीज देखेंगे कंपेयर करते हुए। सबसे पहला ये आता है कि इंट्रोडक्शन के फेज में क्या होता है, सैलरीज लो होती हैं, सेल्स लो होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है, जैसे मैंने प्रॉफिट नेगेटिव होते हैं हम बात कर चुके हैं, और लेने वाले इनोवेटर्स होते हैं जिसको अडॉप्ट करते हैं और कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं। ग्रोथ की स्टेज में क्या होता है, अच्छा अब इसी इंट्रोडक्शन की स्टेज में आपकी प्रोडक्ट
को डेवलप करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिक प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि क्रिएट प्रोडक्ट इंगेजमेंट एंड ट्रायल। अब बेसिकली आपने टारगेट क्या करना होता है, आपने इंगेजमेंट क्रिएट करनी होती है, ये आपका टारगेट होता है, और ट्रायल बेसिस पे आप उसको लेके चल रहे होते हैं इंट्रोडक्शन के फेज में। अभी हम फेज डिस्कस करें इंट्रोडक्शन, उसके हमने करेक्टरिस्टिक्स तो पहले देख ली थी, अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमें समझ आ गया कि इंगेजमेंट क्रिएट करनी है, फिर स्ट्रेटजीज क्या होती है कि प्रोडक्ट के लिए आप स्ट्रेटजी क्या करते हैं, बेसिक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्राइस में आप उसको कॉस्ट प्लस करते हैं, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट निकालने की आपकी स्ट्रेटजी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं। एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं, प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंग अर्ली। अब आपका जो एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटजी होती है ना, वो ये होती है कि सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दी जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, पहले अवेयर करेंगे तो फिर सेल करेंगे ना, प्रॉफिट करेंगे। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, हैवी सेल्स प्रमोशन टू इनहांस ट्रायल। अब सेल्स प्रमोशन इसलिए कर रहे होते हैं ताकि ट्रायल को इंक्रीज किया जाए, इंगेजमेंट्स बढ़ाई जा सके, हमारा टारगेट बेसिकली ये होता है, इसको फिल करना होता है। नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर मैंने जैसे बताया सेल्स ज्यादा होनी शुरू होती हैं, ठीक है, एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर कम होने लग जाती है, सही है आपकी, फिर उसके बाद प्रॉफिट जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे हमने देखा था कस्टमर अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं वो लेना शुरू करते हैं, पहले तो बिल्कुल इनोवेटर्स लेते हैं, और ग्रोइंग यहाँ पड़ चुके हैं इनोवेटर्स अर्ली अडॉप्टर मेन स्ट्रीम अडॉप्टर्स, ये हमने अडॉप्शन कर्व के अंदर अपने देखा हुआ है चैप्टर 7 के अंदर। अच्छा, आप ग्रोइंग नंबर्स कॉम्पिटिटर्स बढ़ने लग जाते हैं इस फेज में आके, इस ग्रोथ फेज का जो टारगेट होता है हमारा वो मैक्सिमाइज मार्केट शेयर को हमने बढ़ाना होता है, जैसे कि बीसीजी कर्व में हम देख चुके हैं कि मार्केट शेयर को हमने बढ़ाना होता है, चार फेजेस के अंदर आता है। तो मार्केट स्टेज हमने मार्केट एक्वायर करनी होती है ज्यादा, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं हमें उस पर फोकस करना होता है, फिर प्रोडक्ट, अब स्ट्रेटजी क्या होती है, हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं एक्सटेंशन देना शुरू करते हैं, उसके साथ सर्विस वारंटी उसके साथ उसके पर्क्स वगैरह चीज़ें ऐड करते हैं ताकि हम ये चीज़ मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकें। फिर आ जाता है उसकी प्राइस हम ऐसे ही रखते हैं कि पेनिट्रेट कर सके मार्केट के अंदर, उसका शेयर बढ़े, क्योंकि हमारा टारगेट शेयर बढ़ाना होता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपर तरीके से शुरू कर देते हैं। एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं, एंगेजमेंट इंटरेस्ट इन द मास मार्केट को इंगेज करना शुरू कर देते हैं, और हम सेल्स किस तरीके से करते हैं टू रिड्यूस टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड को हम मद्देनजर रखते हैं और सेल्स करते हैं। थर्ड स्टेज इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी, जब प्रोडक्ट मेच्योर होता है तो उसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, कॉस्ट उसकी कम हो जाती है पर कंज्यूमर, हमें कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट हमारी डिक्लाइन होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, फिर हायर प्रॉफिट्स आने लग जाते हैं हमें, मेन स्ट्रीम अडॉप्टर्स आम हर बंदा लेना शुरू कर देता है इस चीज़ को, अडॉप्ट करना शुरू कर देता है प्रोडक्ट को, स्टेबल नंबर ऑफ बिगनिंग टू डिलाई। अब जो होता यह है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो वही स्टेज सस्टेन करते हैं जो उस प्रोडक्ट से उसको सस्टेनेबल लेके चल सके, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स डिक्लाइन होने लग जाते हैं। अच्छा, अब इस स्टेज का जो हमारा टारगेट होता है वो ये होता है मैक्सिमाइज किया जाए प्रॉफिट को वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर। हमने जो मार्केट शेयर पीछे क्रिएट किया है उसको डिफेंड करते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट करना होता है मार्केट के अंदर से, इन ऑर्डर टू मेक आवर प्रोडक्ट सक्सेसफुल। इसके लिए हम स्ट्रेटजीज क्या यूज करते हैं, वी यूज प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं डाइवर्सिफाई ब्रांड करते हैं, अपने को मॉडल्स को एक्सपेंड करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, और अलग अलग तरीकों से उसको लॉन्च करते हैं मार्केट में, और उसके प्राइस को भी डिफरेंट तरीकों से हम कंप्यूटर्स में बीट करने के मार्केट डिमांड के हिसाब से अपनी प्राइस सेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन फैलाते हैं, हर तरफ उसकी जबान जदयाम करने की कोशिश करते हैं हम उस वाले प्रोडक्ट को। फिर आ जाता है स्ट्रेस ब्रांड एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, ब्रांड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट्स को हम हाईलाइट करते हैं, और सेल्स प्रमोशन में हम क्या करते हैं इंक्रीज टू इनकरेज ब्रांड स्विचिंग पे इंक्रीज करते हैं, इनके मतलब कि हमारे ब्रांड पे स्विच करें, आपको उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, हम इस तरह की प्रमोशन शुरू कर देते हैं। चौथे नंबर का जो स्टेज है हमारा डिक्लाइन। डिक्लाइन, जब प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है तो ऑब्वियसली सेल्स डिक्लाइन होती है, कॉस्ट बढ़ने लग जाती है लो कॉस्ट पर कस्टमर, कस्टमर के ऊपर कॉस्ट तो लो ही रहती है लेकिन सेल्स हमारी कम होने लग जाते हैं, प्रॉफिट्स भी कम होने लग जाते हैं, आखिर में जो अडॉप्टर्स अडॉप्ट करते हैं उसको आप लैगिंग कहते हैं, जैसे कि हम अडॉप्शन वगैरह पढ़ चुके हैं, और डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ कंपटीटर्स होने लग जाते हैं क्योंकि ग्रोथ कम हो रही है, उस प्रोडक्ट की डिक्लाइन का फेज आ गया तो कंपटीटर्स भी एक्सीड करने लग जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का लॉ है कि जहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा वहां पे कंपटीटर्स इंक्रीज होने लग जाएंगे, प्रॉफिट को जीरो करने की तरफ से परफेक्ट कंपटीशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब इस स्टेज में हमारी डिक्लाइन की स्टेज में क्या स्ट्रेटजी होगी कि रिड्यूस एक्सपेंडिचर को कम करें, सही है, ताकि हम ब्रांड को सस्टेन कर सकें। इस तरीके से फिर हम जो स्ट्रेटजीज लेके चलते हैं वो क्या करते हैं, फेज आउट वीक आइटम्स को कम निकालना शुरू कर देते हैं, डिमिनिशिंग की तरफ लेके जाते हैं, और हमने वो जो पीछे स्ट्रेटजीज पढ़ी उसके थ्रू हम स्टार्स जो डॉग्स के डॉग्स बने होते हैं हमारे बीसीजी मैट्रिक्स में उसको खत्म करते हैं, प्राइस को हम कट करना शुरू करते हैं, अपनी सस्ती चीज़ें बेचते हैं हम, डिस्काउंट देना शुरू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम बहुत सेलेक्टिव फेजेस में जहां से हमारा प्रॉफिट आ रहा होता है वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में हम लेवल जो है एडवर्टाइजमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस टू द लेवल नीडेड टू रिटेन, हमें सिर्फ अपने लॉयल कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए एडवर्टाइज करना होता है, और सेल्स प्रमोशन हम क्या करते हैं मिनिमम लेवल पे ले आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट
समरी ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज के क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं, फिर हम देखेंगे उनकी उसकी डिफरेंट लाइफ साइकिल की फेजेस के अंदर हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्टिव्स उस लाइफ साइकिल के अंदर हमारी स्ट्रेटजीज किस तरीके से होती हैं प्रोडक्ट के लिए, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन के अंदर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर 9 विच इज ऑफ हाउ टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट एंड हाउ टू मैनेज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर हमने वेरियस कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ देखा, वो सारी चीज़ें देखी हमने उसके, और फिर हमने मार्केटिंग डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का ये वाला ग्राफ देखा कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।